ਰੰਬਾ 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 ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੋਤਲ ਪੀ ਜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਪਾਣੀ ਜਾ ਲਾ ਆ ਚੋ ਆਪੀ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਆ ਬੱਚੋ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ अच्छे जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि आज के इस दौर में एनवायरनमेंट की कितनी बहुत इम्पॉर्टेंस है और किस वजह से ये जो टेम्परेचर है फ्लक्चुएट कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि किस तरह से जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम किया जाए, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को कम किया जाए और किस तरह से हम लोग इसके लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। तो उसी के तहत हमने आज स्टूडेंट से बात भी की, एक कैंपेन चलाई कॉलेज के अंदर जिसमें हमने बच्चों को बताया कि आप लार्ज स्केल पर प्लांटेशन कीजिए, बिकॉज ये जो हमारा डिग्री कॉलेज पूंछ है यहाँ पर बहुत सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन हर इलाके से बच्चे आते हैं और हमारा भी ये रहता है कि इन बच्चों को एम्बेसडर बनाया जाए और इनको बताया जाए कि आपका क्या रोल है। तो उसी के तहत हमने इन बच्चों को अवेयर किया कि आप अपने अपने इलाके में भी प्लांटेशन कीजिए और हमने डिग्री कॉलेज पुंछ में भी इन बच्चों से भी जनाब प्रोफेसर तजिंदर सिंह साहब की सरपरस्ती में हमने एक प्लांटेशन ड्राइव यहाँ चलाया जिसमें हमने बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर लगाए हैं और हम भी चाहते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट हैं या आपकी वसादत से जो भी लोग देखेंगे इसको उनको भी कहेंगे कि आप एक एक कम से कम एक एक प्लांट हर जगह लगाइए और ग्रीनरी जो है आज के इस दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, पूरी वर्ल्ड में इस वक्त ये एक बहुत बर्निंग इशू है और इस पर बेशुमार समिट और कॉन्फ्रेंसिस और मीटिंग्स हो रही हैं इसके बारे में कि किस तरह से हम लोग टेम्परेचर को डाउन किया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 अवर पॉपुलेशन वॉज ओनली 45 करोड़, बट नाउ वी हैव क्रॉस्ड 1.30 करोड़ जब 2021 में आएगा। तो आप मुझे बताओ कि उनकी जो प्रोडक्शन रेट थी उस वक्त और आज की प्रोडक्शन रेट बराबर नहीं होनी चाहिए, उसको बढ़ाना है। तो जब आप उसको बढ़ाओगे तो बहुत सारी आपको इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्रीज लगानी है, आपको केमिकल्स को यूज करना है, तो उससे अफेक्ट हो रहा है हमारा जो इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट हो रहा है और बेशुमार डिजीज हो रही है। तो इन सबको अगर खत्म किया जाए, देखिए ये प्लांट जो है ये बेहतरीन चीज है, ये फ्रेश ऑक्सीजन को देते हैं और जितनी भी गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो एक इन्वायरमेंट क्लीनर का ये इस्तेमाल ये जो प्लांट हैं वो काम करते हैं। तो पहले भी यही कहा कि मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा जो है, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा हो या कोई बच्चा भी छोटा है, वो एक कसम खा ले कि मुझको एक प्लांट जरूर लगाना है। और अगर हम इतना बात सोच लेंगे तो मुझे लगता है कि बेशुमार प्लांटेशन होगी, और जब प्लांटेशन बहुत ज्यादा होगी तो नेचुरली टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगी, और जब पॉल्यूशन कम होगा तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, और जब हम लोग हेल्दी रहेंगे तो पूरा एनवायरमेंट हेल्दी रहता है, खुश रहते हैं। और जैसे आपने देखा कि यूरोप में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर प्लांटेशन लोग कर रहे हैं पॉल्यूशन के रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ भी हम चाहते हैं कि वो लोग जो गांव में रहते हैं फॉरेस्ट को बचाया जाए। और खूबसूरत किसी ने कहा था, इस साल का शायद थीम भी यही है कि सेव द अर्थ एंड अर्थ विल सेव यू, अगर हम लोग अर्थ को सेव करेंगे तो वो हमें सेव करेगी, क्योंकि दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट के साथ हमारी एक रिश्ता है और उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इस इन्वायरमेंट को साफ रखें। और मैं यही चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा आपके जरिए से कि जितने भी लोग हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें इन तमाम चीज़ों को, सिर्फ स्पीच पे नहीं बल्कि प्लांट लगाएं और इन्वायरमेंट को साफ रखें, गंदगी नहीं डालें। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें, तो मुझे लगता है कि हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट होगा और बहुत सारी डिजीज से हम लोग अपने लोगों को बचा सकते हैं।